मेरा नाम होशियार सिंह नैन, गांव खरल और जय किसान आंदोलन का वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा एक किसान भाई सुरेश गांव दमतैन से वो हमारे बीच नहीं है, वो चला गया क्योंकि बिजली कर्मियों की वजह से, प्रशासन के दबाव की वजह से उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त करना पड़ा। और इसलिए आज हमारी जो यहाँ ये जो पंचायत है, ये बहुत हज़ारों में संख्या में लोग आए हैं और इनकी एक मांग है हमारी सबकी कि जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे साथी का हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सुनील, तो ये बिजली कर्मचारी लगातार गांव दर गांव जा रहे हैं, तो ये इस धरने का कोई फर्क अब जो बिजली कर्मचारी के इस ड्यूटी पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमारी मांग है शासन और प्रशासन से पूरे तौर पे कि आज केवल दमतैन का सवाल नहीं है, ये तो घटना उत्पन्न होगी, उजागर होगी, लेकिन आज तो तमाम गाँव के अंदर, चाहे वो सब डिवीजन दमतैन का हो, चाहे गड्डी का हो, चाहे नरवाना का हो, वहाँ रोजाना काम हो गया है। गाड़ी भर के चल रहा है, छापेमारी का नाम पर हजारों रुपए वसूल करते हैं पर किसान से और शाम तक लाखों रुपए ऐंठ करके वो अपने अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं, ये सवाल पूरे हरियाणा का बन गया, पूरे उत्तर भारत का बन गया, आने वाले समय में इसके खिलाफ आंदोलन तेज होगा और जब तक इस प्रकार की घटिया कार्रवाई से प्रशासन पीछे नहीं हटेगा, किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी लंबी लड़ाई बेसंग चले, हम इसको लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। सुनील जी, लगातार अगर बात करें किसानों की बात करें या फिर विभिन्न खापों की बात करें, लगातार समर्थन दे रही है, तो ऐसे में कितना दबाव लगातार बनेगा? क्योंकि ये पूरे हरियाणा की बात है, ये जो हमारे साथी सुरेश हैं, ये जो गुजरे हैं, ये पूरे दमतैन गांव की लिए शहादत दी उन्होंने। और बिजली महकमा है जो लगातार लूट मचाने का काम कर रहा है, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं लाइनमैन से लेकर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में लगे हैं। ये कोई सरकार ने और प्रशासन ने ये कानून नहीं बना रखे कि आप छापे मारो। ये चार पांच आदमियों का नवाड़ा में गिरोह है, जैसे अनिल हो गया, अशर्मा जी, इसमें जर्नैल जी हो गए, जो जिनके नाम में FIR दर्ज हुई है, एक ये गिरोह है। ये समझौता करते हैं, 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया और 50,000 हमें समझौता करके अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का काम करते हैं। और इनकी मैं तो कहूँगा आपके चलन के माध्यम से सरकार को इनकी जाँच होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, जो इतने 10-10 किले 20-20 प्लाट या हर शहर में ले रहे हैं, तो इनकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए और इन पर केस दर्ज होने चाहिए। और हमारी मांग ये है, जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल में डाला जाना चाहिए। तो गांव के लोगों की तरफ से यह भी बयानबाजी आ रही है कि बिजली यही चोरी करवाते हैं भाई जी, ये बड़े बड़े लोगों से तो आज लगा, आपने देखा है जितने भी अपने नवाड़ा में मामला हुए, चाहे मंगलपुर का हुआ है, चाहे दबलैंड का हुआ है, चाहे हमारे दमतैन का हुआ है, कभी भी किसी बड़े बिजनेसमैन पे, कभी भी बड़े कोई लोग पे, उन पे ये क्या नाम है, केस दर्ज नहीं हुए। ये गरीब लोगों पे को तंग करते हैं ताकि वो पैसा दे देते हैं, जैसे 1,00,000 रुपये जुर्माना लगा दिया बोले वाले लोगों पर, वो 50,000 रुपये जुर्माना क्या नाम है सहमति करके वो पैसे इकट्ठे करते हैं। सरकार इनको पैसे नहीं देती कर्मचारियों को जो ये ऐसे अगुवाई कर रहे हैं? ये नौकरी जो करते हैं वो तो अपनी नौकरी के नाम से करते हैं और जो पैसा कमाते हैं वो लोगों से अठने का काम करते हैं, सरकार की तनख्वाह में इनका नहीं पेट भरता, ये लूट मचाने का गिरोह है। हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि हम एक मांग मारी और भी है, इसमें मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, कोई भी कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, उसकी संपत्ति की जांच हो, तब वो सरकारी नौकरी जब उसने ज्वाइन करी और आज उसकी कई साल भी हो गए हों, उसकी संपत्ति कितने से कहां चली गई, बड़ी जुल्म की बात है। आप देखिए, बिजली वाले आते हैं, एक फ़ोटो उतारते हैं मीटर का, मकान का, और फिर उस भोले भाले किसान को, मजदूर को कहते हैं कि आपकी सज़ा होगी, 3 साल की सज़ा होगी, 2,00,000 रुपये आपका जुर्माना आवागा। फिर वो नीची नैड करके गरीब आदमी उससे पूछता है, सर इसका समाधान, फिर वो कहता है समाधान होगा, आप मेरे पास आना, दफ्तर में आना, और समाधान के नाम के ऊपर जितने भी पैसे देश का अगला 50, 60, 70 उसकी कोई सीमा नहीं है और वो लेके चले जाऊँ। इसकी शिकायत नहीं करते गांव वाले? करते हैं गांव वाले, एक्शन साहब से करते हो, आगे करते हो? हम यही कहते हैं, तो नकम्मी सरकार और प्रशासन है। 13 महीने का आंदोलन चला, ये तमाम मुद्दे हमारे थे, बिजली का भी उसमें विशेष मुद्दा था, लेकिन ये समझ नहीं आ रही इनका बात, क्योंकि इनका चल रहा धंधा अभी तक, और तब तक ये जैसे हमारे आज दमतैन के ऊपर यह घटना घटी है, ये केवल दमतैन का सवाल नहीं, ये तो पूरे हरियाणा का सवाल है। आने वाले समय में इस प्रकार के आंदोलन तेज भी होंगे और सरकार से हम कहना चाहते हैं, कितने सुरेश की और सुरेशों की, कितने की शहीद करना चाहते हैं, कुर्बानी लेना चाहते हैं,
आज ये 17 साल से लेकर के 27 साल का हमारा बच्चा और 5 साल से लेकर के 90 साल का बूढ़ा और बुढ़िया ये तमाम बातें समझ चुके हैं। आज किसान के नाम पर अगर कोई लूट कराएगा तो आंदोलन हम और तेज़ करेंगे। और आज हमारी जो पहली मांग है, इन कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार करें, उसके बाद ही अगली बात चलेंगी। और दूसरी बात है हमारी कंपनसेशन की भी। हमारा ये जो सुरेश है, छोटा एक 7 साल का और 8 साल का ही एक बच्चा है इसके पास, इसकी महिला, इसकी औरत बेचारी, वो पहले कैंसर से पीड़ित थी, वो चली गई, और बूढ़ा बुढ़िया बहुत बुजुर्ग हैं वो माँ बाप का सहारा सुरेश ही था, कोई सहारा नहीं बचा, कौन उस बच्चे को पालेगा। गांव वाले के भी ये भी कह रहे हैं सुरेश पे दबाव बनाया गया, और डीएसपी उचाणा का भी नार सिंह उसका नाम आ रहा है, गांव वाले ने की ये बात। यही बात है बिजली वालों के साथ साथ उसके बाद जो डीएसपी उचाणा यहाँ आया, उसकी लापरवाही कह लियो, अहंकार कह लियो, और उसका घटियापन, जिसने इतना दबाव और प्रेशर बनाया हमारे सुरेश के ऊपर, उसको टॉर्चर किया, और उसने कहा बक्सा नहीं गए उठाएगा ले जाएंगे। बिल्कुल जो है, हाँ बिल्कुल सच्चाई है, इसी की तो वजह से है। वो तो रात को भी दिन को भी पल पल में रोटी नहीं खाई उसकी, पानी नहीं पिया, और उसकी कह आएंगे बिजली वाले, गए बिजली वाले, मैंने उठावेंगे बिजली वाले, मेरा मीटर काटेंगे, मैं कहाँ जाऊँगा। ये तमाम तरह का टॉर्चर करने के बाद उसने ये कदम उठाना पड़ा। सुरेश ने किसी का नाम भी लिया, भी कोई व्यक्ति उस पे दबाव बना रहा है। ये बिजली वाले और डीएसपी तमाम प्रशासन के लोग आए थे, गाड़ी पर काई थी ये तो। और सिंह जी गांव के लोग बात है, ये पूरे तौर पे गिरोह बन गया, जो खुद ही डोरी लगवाते हैं, खुद ही तरवाते हैं, और वो लाखों रुपए के नाम के ऊपर, टैक्स के नाम के ऊपर, जेल के नाम के ऊपर लोगों को, विशेष तौर पर महिलाओं को, उनको टॉर्चर भी करते हैं और पैसे भी आंटते हैं। ये महिला कर्मचारी आते हैं साथ में? नहीं, कोई महिला कर्मचारी, देखो कितनी गजब की बात है, उस परिवार में अंदर जाते हैं और कोई टाइम नहीं। आप देखिए, हम तो कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक की ड्यूटी है। अगर कोई किसान मजदूर गाँव में रहनिया कर्मचारी दुकानदार अगर कोई कंप्लेंट करावागा, उसकी बुलावागा, तो मिले नहीं का वो बोले मेरे पास समय नहीं है। और 5 बजे के बाद 10 बजे से पहले ना इतनी उबेरा सुबह का शाम का अंधेरा हुई, बहू है, बेटी है, बुढ़िया है, गम अगर हम बड़ा कांध पर कूद कूद के बड़ा मंडेरे पर। पहले भी मैंगलपुर में भी हुआ था, दबलैंड में भी, और अब दमताण में भी मिल रहे हैं। ये लगातार हो रहे हैं। हम इसीलिए तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग उठाना चाहते हैं कि ये जो गिरोह है पूरे तौर पे छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक, और हम तो ये बात भी कहते हैं, कोई संकोच नहीं करते, इनकी तो मंथली चंडीगढ़ लग भी जाती है, ये डिपार्टमेंट तो भ्रष्ट डिपार्टमेंट हो चुका है, बहुत भ्रष्टाचार इसके अंदर है। तब्दीली की जरूरत है कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, बिल्कुल तब्दीली की जरूरत है, इसके ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। ठीक है, यही हम कहना चाहते हैं।